इंडिया के लोग है ना इसको बोलते हैं किशनगंगा, और पाकिस्तान के लोग इसी नदी को सेम बोलते हैं नीलम वैली, ठीक है। तो गाइज आज के व्लॉग में हम आपको एक और एडवेंचर पे ले चलते हैं। आज हमको जाना है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर किरण वैली। आपको पता है ये इतना नजदीक बॉर्डर कहीं पे नहीं है, नो फेंसिंग, कोई फेंसिंग, कोई तार, ये सब नहीं है। आज वहीं पे हमको जाना है, बहुत ही दूर जाना है, ठीक है। लेट भी हो चुका, 12:30 बज चुके हैं अभी, ठीक है। तो सुबह सुबह हमने डिसाइड किया था कि सुबह निकलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो गया। तो ये रही हमारी कुछ पैकिंग। तो आज ना हम अपनी स्प्लेंडर पे जाते हैं, ठीक है। स्कूटी पे हम लद्दाख गए, आज स्प्लेंडर पे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला आज के व्लॉग में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और पर भी हो चुका रेडी पतीला लाके। चलो जी मित्र, खाना अपना पकाना है ना, खाना पकाना है अपना, तो चलो जी। तो गाइज आज हम स्प्लेंडर पे जाने वाले हैं। अगर पोरु चाहेगा ना या हायाबुसा पे भी जाएगा, दुकाटी पे भी जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए हम जाते हैं स्प्लेंडर पे। तो आज इसी पे जाते हैं, ठीक है। फुल इन्फॉर्मेशन, कितना पेट्रोल, कितना दूर, क्या परमिशन, कहाँ से लेनी है, सब कुछ। तो गाइज फाइनली निकल चुके हम, ये देखे ये रहा हमारा बैग, क्योंकि हमने कहीं पे बांधा ही नहीं, जगह ही नहीं थी। तो आप स्प्लेंडर पे जाते हैं। 2013 हमारा स्प्लेंडर ऑन फायर ब्रदर। तो गाइज हमारा ना टायर आगे से गंजा था, ठीक है। यहाँ पे अब सेकंड हैंड टायर लगवाया हमने रास्ते में, ये देखो, देखा इसी पे जा रहे हैं हम किरण वैली। गाइस लुक एट दिस, यहाँ से भी जाता है रिंग रोड, रिंग रोड। ये देखो यहाँ से भी उसका काम चल रहा है जोर शोर से, रिंग रोड का। कहाँ कहाँ से जाता है आप लोगों ने सोची ना होगी। तो गाइस अभी हम कुपवाड़ा के रास्ते से चल रहे हैं। यहाँ पे राइट साइड भी आप चेक करोगे, लेफ्ट साइड भी चेक करोगे, हर तरफ से एप्पल्स ही एप्पल्स है। ये देखो यहाँ पे देखो एप्पल्स बेच रहे, ठीक है। ये बाहर बेचते हैं यहीं से, पूरा ना पेटी भर भर के, ये पूरा यहाँ से जहां तक आपको नजर जाएगी खाली एप्पल्स का ही गार्डन है हर तरफ से। ये देखो यहाँ पे कितने सारे कश्मीरी एप्पल्स है, एप्पल्स ही एप्पल्स हर तरफ से। तो गाइस फाइनली पहुंचे हम अभी कुपवाड़ा, 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 लुक एट दिस, दिस इज कुपवाड़ा। यही से हमको जाना है अभी किरण वैली, किरण वैली। तो मित्रों कुपवाड़ा में ना हमारी बाइक दो बन गई, पता है क्यों? यहाँ पे हमारे पुराने दोस्त शाहिद के व्लॉग्स मिल गए। शाहिद भाई कैमरा ना चो भाई, बालवा छो एकदम, और बताओ। और हमारे दूसरे बाइक टेंट लेके मक्खन मार के, चलो भाई उधर ही मिलते हैं। अब जाना आपको करालपुरा। तो गाइस कुपवाड़ा से कुछ ही दूर आता है करालपुरा, मतलब यहीं से रास्ता है किरण वैली जाने का। यहाँ पे ना फॉर्म वाले सब होते, ठीक है। किरण करना परमिशन फॉर्म अवेलेबल, क्योंकि किरण वैली जाने से पहले फॉर्म लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे फिलअप करो, आधार कार्ड, ये सब पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, वहां पे सबमिट करना है। तो फॉर्म को ना बहुत सारे, जब वहां पे वो साइन ऐसा मिलेगा तो यहाँ पे फिर बहुत सारे फोर्ट स्टेट करने है। आगे जाके 5-6 कैंप्स आएंगे, उधर उधर वो फॉर्म देना है। तो ये बच्चा मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या क्या देना है, आधार कार्ड और परमिशन, आधार कार्ड और परमिशन देना है। हमको यहीं से परमिशन देनी है। तो गाइस हमने यहाँ पे पूरी डिटेल दे दी, आधार कार्ड, ये सब, ठीक है। फिर अंदर से परमिशन लेनी पड़ी, वो जब स्टेप डालते हैं तब जाके आपको आगे परमिशन मिलेगी किरण वैली के लिए, ठीक है। और 8 कॉपीज निकालनी पड़ती है फोटो स्टेट की। आगे जाके 8 कैंप आएंगे, वहां पे आपको ये सब देना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, आगे जाके 8 कैंप्स आएंगे, आर्मी कैंप्स आएंगे, जहाँ पे हमको ये देना है, ओके। चलो जी परु कितने कैंप्स में देना है आगे? 8 चेक पोस्ट रहेंगे, 8 चेक पोस्ट, तो ये परमिशन देंगे। चलो लेट हो गया, लास्ट वाला जो होगा ना ओरिजिनल फाइल हम अपने पास ही रखनी, ओके। ये 8 फाइल आगे देंगे बस, फिर वहाँ पे अपना आधार कार्ड सबमिट करना है। चलो अभी ना हम पूरा जंगलों से जा रहे हैं, ठीक है। हमारी बाइक भी आराम से जा रही है, मतलब अगर आप चाहो ना किसी भी बाइक पे आप आ सकते हो। कोई यही बहाना ढूंढते हैं ना, मेरे पास बाइक नहीं है, वो नहीं, ये नहीं है, ये देखो डबल राइडिंग करके आ चुके हैं भाई किरण वैली, वो भी स्प्लेंडर 2013 मॉडल मक्खर मार के। तो गाइस यहाँ पे अपने भाई लोग रुक चुके हैं, यहाँ पे रील्स और फोटोज खींच रहे थे, उठा रहे थे, जो भी था यही था। तो हमारी बाइक ना हीट अप हो चुकी है, ठीक है।
तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे फिर जाते आगे की तरफ। यार रोड चेक करो, जगह चेक करो, यहाँ से ज्यादा लोग आते भी नहीं है भाई। बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो बोलते ना भाई अगर आप जाना चाहते ना किसी ऐसी जगह पे जहाँ ज्यादा लोग भी नहीं आते हैं, फुल ऑन ग्रीनरी है सब, तो यहाँ पे आए भाई बहुत ज्यादा मजा आएगा, कसम से कह रहा हूँ। हर तरफ से ग्रीनरी ग्रीनरी। अभी से पहले हम लद्दाख ले गए थे, वहां पे पेड़ पौधों का निशान ही नहीं है भाई। अब आ चुके हैं मुझे जगह पे जहाँ पे पेड़ ही पेड़ है, पौधे ही पौधे है, खाई खाई है। यहाँ से देखो कितनी गहरी खाई है भाई साहब, वो भाई साहब जंगल चेक करो कितना बड़ा जंगल है। यहाँ से बालू तेंदुआ ये सब का खतरा बना रहता है, लेकिन एक चीज है पूरा आर्मी का एरिया है, ठीक है, पूरा घेरा हुआ है आर्मी से। वो हम आसमान में आ चुके हैं, आसमान आसमान का तारा अमरा परू यारा वो भी है बहुत प्यारा, सारा सारा सारा। और रील नहीं बनानी है, रील नहीं बनानी है परू, तू व्यू चेक कर, तू ग्रीनरी चेक कर। तो क्या जैसे जोजिला पास में टाइल वाला रोड आता है ना, यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया टाइल वाला रोड, इट मीन्स यहाँ से बहुत ज्यादा बर्फ होती है भाई साहब। वो गाइस यहाँ से मंकीज है, मंकीज लुक एट दिस, यहाँ लॉट्स ऑफ मंकीज। अगर हम रुके हम तो हमारे पीछे दौड़ेंगे। बंदर बंदर बंदर। मित्रों हम पहुंचे फरखन टॉप, कहाँ पहुंचे भाई भाई कहाँ, पाटिनी टॉप, फरखन टॉप, फरखन टॉप। लेफ्ट साइड से उस्ताद उस्ताद परूजी और राइट साइड से किरण वैली उस्ताद है, पूरा आर्मी का एरिया हमको जाना है किरण वैली, जो कि यहाँ से 24 किलोमीटर है। चलो जी मित्रों गल बने जी। यार जुबेरा पान हाँ था पान। तो गाइस अंधेरा भी देखो हो चुका है और यहाँ से पूरा ऑफ रोड है, मतलब किरण वैली पहुंचने से पहले 6-7 किलोमीटर पूरा ऑफ रोड ही ऑफ रोड है। ओके लुक एट दिस, दिस इज टोटली फुल ऑन ऑफ रोड। और यहाँ पे देखो यहाँ पे तगड़ा वाला ऑफ रोड हो रखा है भाई साहब ने गाड़ी उतारी है पानी में, वहीं पे नहाएगा गाड़ी को, सॉरी पानी 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 ये है असली वाला। गल बन गई, चल छाइया 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 भाई साहब चेक करो यहाँ से 4x9 गाड़ी है, 4x9 गल बन गई 4x9 4x9 4x10 10x12 12 इज कॉल्ड टू 13-4। चल 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 आगे चलो, आगे चलना थोड़ा सा। वो दिस इज कॉल्ड रियल ऑफ रोडिंग 4x2। मुझे लगा ये शेर है सामने से, एसी का बंद है। लोग करते हैं ना 4x4 पे ऑफ रोडिंग, 4x4 नहीं है ठीक है, सिंपल सी गाड़ी है। और यहाँ से चेक करो, चढ़ 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 यहाँ पे चेक करो रोड के बीच में से पानी जा रहा है, ठीक है नदी जा रही है रोड के बीच में से। भाई साहब ये रोड ही बवासीर है, पूरे इंजन का शॉर्टर ही बैठ गया, इंजन का गाड़ी का शॉर्टर ही बैठ गया। ओ आराम से प्रूफ। आपको पता है ऐसे रोड जाते हैं ना बीच में से ऐसे कोई खाई आती है, ठीक है जो किसी तरह नीचे जाती है, गड्ढे आते कौन से गड्ढे, वो पता है कौन से गड्ढे है, कौन से अमूल के गड्ढे। तो गाइस यहाँ पे देखो रिवर क्रॉसिंग, इतना बड़ा समंदर है, नहीं बच गए हो गए क्रॉस कर लिया क्रॉस। मित्रों फाइनली पहुंचे हम अपने तुफैल भाई के पास, देखो तुफैल भाई जिस जाम पिछली बार आए थे, और ये रहा यहाँ पे किशन गंगा और रहा वहाँ पे पाकिस्तान। तुफैल भाई को आप जानते ही होंगे, क्यों भाई क्या हाल है, नए से आने के लिए फिर से आने के लिए आने के लिए मैं चाहता हूँ कि हर एक गेस्ट ऐसे ही मेरे पास आता रहे। भाई क्या हुआ ना, जितना हो सके इतनी मैं आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी करूँ, आप लोगों की वजह से यहाँ का चल रहा है, और सबसे ज्यादा मैं अपने से ज्यादा चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों का इसका फायदा हो जाए, फायदा हो जाए। तो भाई ने ना पिछले साल हम यहाँ पे आए थे, क्यों परू दूर से पहचाना तुफैल भाई ने, परू क्या हाल है, मुझे भी पहचाना गले मिल गया वहाँ से तुफैल भाई। तो गाइस हमने ना घर से ही खाना लाया था, पनीर और टमाटर और फुलके, तो खा रहे एंजॉय कर रहे सब भाई लोग यहाँ पे बैठ के। तो मित्रों फाइनली पहुंचे हम अभी किरण वैली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, उस साइड है पाकिस्तान, ये लाइटें वाइटें दिख रही है ना आपको वहां से पूरा,
उधर से भी लाइट थी लेकिन वहां पे लाइट चलेगी पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में अभी भी लाइट है, ठीक है। तो हाँ वहां पे लाइट दिखाने वाला था, लाइट ही चली गई। बाकी अभी हम आए यहाँ पे घूमने के लिए, अपने तुफैल भाई यहाँ पे, अपने राजा भाई यहाँ पे, तो सोचा कौन कौन पहचानता है हमको अभी भी, हम नहीं भूलते बट एक बार हम आते हैं ना फिर किसी को नहीं भूलते हम। तो बाकी अभी आपको नदी ये सब दिखाते हैं, फिर कल अच्छे से दिखाते हैं आपको। क्या बोलते हैं भाई? किशनगंगा और उसको बोलते हैं नीलमगंगा। अच्छा, इंडिया के लोग है ना इसको बोलते हैं किशनगंगा और पाकिस्तान के लोग इसी नदी को सेम बोलते हैं नीलम वैली, ठीक है। कल हम आपको अच्छे से दिखाते हैं, वहां पे देखो फ्लैग लगा हुआ है पाकिस्तान का और वो है उधर से पीओके का, है ना। तो बाकी ये लाइट है पूरे पाकिस्तान की, तो अभी वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। ये देखो, तो वे देखो वो रहा वहाँ पे पाकिस्तान, वहां पे लोग आ चुके हैं। ये ना वहां पे जैसे कि यहाँ पे किरण वैली टूरिस्ट स्पॉट बन चुका ना, वैसे वहां पे वो पूरा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। अगर आपको दिख रहा होगा वहां पे पाकिस्तानीज हैं, ये देखो। तो ये यहाँ से हाई ये सब कर रहे हैं, वो भी वहां से हाई कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। बाकी हमारा टाइम भी अभी चेंज हो चुका भाई, मेरे फोन में बज चुका था 8:25 और ये जो शायद है ना इसके फोन में बज चुका था 8:55। तो बाकी अभी अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो चुका है, वहां पे भी लोग सोए हुए हैं, यहाँ पे भी सोए हुए हैं, खाली हम ये जो जाग चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में हमने क्या रेगिस्तान छैया। तो बाकी ऐसा कुछ सीन है आज के व्लॉग में, हमने आपको बताया कि कहाँ से आपको परमिशन सब लेनी है। करालपुरा आता है, कुपवारा से आ गया आता है करालपुरा, वहां से आपको परमिशन लेनी है किरण वैली के लिए। फिर आगे जाके 9 कैंप्स आते हैं, वहां पे आपको सबमिट करने पड़ते हैं वो फॉर्म ये सब, ठीक है। इजिली परमिशन मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जल्दी आना, 4 बजे के बाद यहाँ पे परमिशन नहीं मिलती है करालपुरा में, ठीक है। उससे पहले आप कोशिश करना, बाकी ज्यादा दूर भी नहीं है लेकिन हिली एरिया बहुत ज्यादा चढ़ाई है, तो अपने हिसाब से पेट्रोल ले आना क्योंकि अलग अलग माइलेज होती है बाइक की। तो अभी तक बहुत बड़ा ही वीडियो बन गया, कल सुबह हम ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी हम सो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैवल भी कर लिया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ, ठीक है। कल मिलते हैं आपसे। लोकल है भाई, लोकल है, लोकल है, लोकल है। अरे भाई सब यहाँ से चेक करो भाई, कितने सारे डॉग्स है यहाँ पे भाई। लोकल है, लोकल है। ओ भाई साहब, कहीं यहाँ पे बालू ना होगा भाई। एक कुत्ते दिख रहे हैं मेरे को, भूख भी रहे, तुम चलते। बालू है, बालू बालू बालू। चलो चलो फिर, चल कल चल नहीं, कल मिलते हैं आपसे।